चीयर्स। वहाँ फंक्शन में सब लोग बैठे आपका इंतजार कर रहे थे और आप यहाँ बैठ के शराब पी रहे। डिश लेने क्यों नहीं आया? मूड नहीं था। जवाब नहीं तेरे मूड का। कभी रिकॉर्डिंग कैंसिल करवाता है तो कभी फंक्शन कैंसिल करवाता है। तीन रात शराब ही शराब। अभी ये भाषणबाजी बंद है प्लीज। सही है सही है। कौन होता हूँ मैं भाषण देने वाला? सेक्रेटरी जो ठहरा। हे आनंद, ऐसा नहीं बोला, तू मेरा दोस्त है यार। दोस्त है ना? तो पहले शराब पीना बंद कर दे। देख, नैनीताल में प्रोग्राम है अपना, कल सुबह की फ्लाइट है। फ्लाइट? हाँ। किधर? बॉम्बे टू दिल्ली। सागर में जिंदगी को पुकारे चले गए। अरे वाह वाह, क्या इंतजाम है। क्या क्या नाम बताया था आपने? तन्हा भोपाली। हाँ भोपाली जी, वाह वाह, क्या बात है। क्या डाली 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 डाली, शाबाश। वही ना, बात बस 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 जी नहीं। एक क्या सागर, रास्ते में पीके जी नहीं भरा जो यहाँ के शुरू हो गया? अम्मा यार, पीने से भी भला किसी का दिल भरता है क्या? चीयर्स। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करता हूँ, तेरी शराब जल्द से जल्द छुड़वा दे। अम्मा ये कोई दुआ हुई? खता माफ हो तो दुआ पर एक शेर अर्ज करूं। आयशाद। अर्ज किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। चुप जनाब, शेर तो सुनिए। अर्ज किया है कि दुआ में दम हो तो दुनिया को हिला दो, नहीं तो दो घूंट पियो और दुनिया को हिलते हुए देखो। वाह वाह, ये हुई ना बात, ये हुई हमारी बात। बात करता है, इसी बात पर एक और सुनाइए। हाँ तो सुनिए जनाब। इरशाद। दिलबर से अच्छा है ये जाम शराब का। शराब का? दिलबर से अच्छा है ये जाम शराब का, मजा ही मजा देता है, दगा नहीं देता। थोड़ा पीछे जा। अबे थोड़ा पीछे जा। ठंडी में कहाँ फोटो ले रहे हैं। कर दिया ना कबाड़ा, तेरी इस मनु ठीक से अब बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। मैंने कहा कबाड़ा किया, तूने मुझे ठंडे पानी में ढकल कर मेरा ही कबाड़ा कर। अरे कमाल कर दिया, डबल ठीक मार के। तू कितना अच्छा आदमी है, इसका मतलब गुड लक। अब देखना मैं कैसे इस फोटो के जरिए उसे अपना बनाता हूँ। हाय संगीता, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? सागर। अरे तुम्हारा सागर जी। कमाल करती हो तुम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी? अरे तुम सागर हो या तालाब, यहाँ से जाते हो वरना पुलिस को बुलवा के तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊं। पुलिस होश ठिकाने? ये बोतल कि क्या हो गया तुमको? ऐसा खींच के थप्पड़ लगाऊंगी ना पूरा। कौन है ये? अरे पता नहीं, कोई सड़क छाप मजनू लगता है। कहता है मैं इसकी संगीता हूँ और मैंने इसे शिमला बुलाया। बताओ मिस्टर, क्या नाटक है ये? ये नाटक नहीं, हकीकत है सिस्टर। और मैं कोई रोड साइड मजनू नहीं हूँ, मैं तो इनका मंगेतर हूँ। क्या मंगेतर? और नहीं तो क्या, इन्होंने मुझे अपने घर वालों की चोरी से यहाँ बुलाया ताकि मैं इनके साथ रह सकूँ। शराब, तुम पागल तो नहीं हो? पागल ही तो हूँ जो तुम्हारे प्यार की खातिर मैं यहाँ तक चला आया। पागल ही तो हूँ जो तुम्हारी तस्वीर को अपने सीने से 24 घंटे लगा के रखता हूँ। तस्वीर? हाँ वही तस्वीर जो तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते हुए दी थी। देखो ये तो सपना तुम्हारी तस्वीर है। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया ना कि ये मेरी ही संगीता है। देखिए मिस्टर सागर, मैं मानती हूँ कि मेरी शक्ल इस तस्वीर से काफी मिलती जुलती है, लेकिन मैं संगीता नहीं हूँ, मैं सपना हूँ, सपना नारंग। सपना? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है, इतनी मिलती जुलती शक्ल? हे राम, मुझसे ये कैसी गलती हो गई है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को परेशान किया, मैं शर्मिंदा हूँ इस गलत फहमी के लिए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और होता तो शायद यही गलती करता। Come on girls, चलो चलो। मुझे क्या पता उसका ही कुछ। सुनिए,
देखिए मैं यहाँ नया आया हूँ, टूरिस्ट हूँ ना। आपके पास गाड़ी है? मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे मार्केट छोड़ सकती हैं। वो मैं ठीक है। देख सागर साहब के साथ मेम साहब भी हैं। अरे आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? शिमला में इससे अच्छी पान की दुकान और कहीं नहीं है। ये बहुत अच्छा पान लगाता है। मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ एक पान खा लेती हूँ। आप पान खाएंगे? नहीं नहीं, हम तो पान खाते ही नहीं। और फिर पान कोई खाने की चीज है, उससे दांत खराब हो जाते हैं। वेरी बैड। अच्छा बैठिए, हम लोग पान खा कर आते हैं। चलो गर्ल्स कम ऑन, चलो पान तो खा लो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते मैडम। आवा आवा, पान लगा दीजिए फटाफट। हमें मीठा वाला भी है, मेरा भी बढ़िया पान बनेगा। अरे 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 भाई, अरे सबको लगा दे, काहे को चिल्ला रहे हो? अरे लल्लू फटाफट दिखा भैया, दिखा हाथ। ये पनवाड़ी पोल ना खोल दे। ये रहा आपका पान और ये रहा सागर साहब का। सागर साहब, आप सागर साहब को जानते हैं? ये लो, सागर साहब को कौन नहीं जानता मैडम। सागर साहब तो बहुत बड़े गवैया हैं और हर साल यहाँ आते हैं। और तो और, मेम साहब हमारे दुकान से पान खाते हैं और जाने से पहले अपना नया कैसेट हम ही को देकर जाते हैं। गर्ल्स, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। गर्ल्स, तू कहे तो भरे बाजार में इसकी खातिर कर दे। नहीं, इससे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कम ऑन। ये लीजिए आपका पान। हम तो पान खाते ही नहीं ना। प्लीज, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। अब आप प्यार से लाई हैं फिर तो। वैसे पान खाना बहुत बुरी बात है। उतरिए जनाब, यही वो ऐतिहासिक इमारत है जहाँ शिमला में नए आने वालों को खाने का, पीने का, रहने का सारा इंतजाम मुफ्त। वेरी गुड। अरे ये तो पुलिस स्टेशन है। ए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, पान वाले ने सब कुछ बता दिया हम लोग को। अच्छा, जब बता ही दिया तो फिर टाटा। ए, जाता कहाँ है? ओए क्यों रोना पा रहे हो? क्यों बादशाह, सोनी कुड़िया नाल कबड्डी खेल रहे हो? वो भी कंडेरी लाल दे थाने दे विच। हवलदार साहब, ये बदमाश पता नहीं क्या क्या समझ गया। मोतिया वाली सरकार, तुसी इनू करेक्ट जगह ते लेके आए हो। ओए रांझे दे पुत्रा, इस इलाके में जब कोई बदमाश किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे गंडेरी लाल के मौला बख्श की याद जरूर आती है। हवलदार साहब, ये बेचारे तो शिमला पहली बार आए हैं। कोई गल नहीं, मलाई दे डूने हो, ऐ साडा मौला बख्श नु पुराना कर दो। गंडेरी जी, अब आप मेरी बात भी सुनिए। पुत्रा, तेरी सुनने के लिए तो सारी रात पड़ी है। कुड़ियों, तुसी जाओ, तुहाडी ड्यूटी खत्म और साडे मौला बख्श दी शुरू। यानी के बाय बाय डार्लिंग। ओए बाबू, तू मखना दे पीड़े नु क्यों देख रहे हैं? हुन तू साडे मौला बख्श नु देख और चल अंदर। क्या हो रहा है ये? सागर साहब, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैंने तो कह दिया था आपके प्रोग्राम का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। वो ऐसे ही सोचा था कि थाने आ जाऊं, देख लूंगी लास्ट टाइम की तरह कोई गड़बड़ ना हो जाए। ओ सर, ये तो तुम चुप रहो। सर, इस पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट है। आ गई। मेरी फैमिली के लिए 4-5 पास चाहिए थे। हाँ, मिल जाएंगे। सर, ये तो। अरे चुप रहो, तुमको अगर देखना तो जाकर टिकट खरीद कर देखो। सर चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए प्लीज। सर क्या? सर सलाम कर कंडेरी का पुत्र। अरे यार, आज तो कमाल हो गया, सारी टिकटें एडवांस में खत्म हो गई। अरे कमाल तो तब होगा जब मेरे दिल का मेहमान आज शो में आएगा, तब देखना जलवा क्या होता है। बाल बना। हैरान हो गए सागर साहब, आपने हमें अपने शो में बुलाकर इतनी इज्जत दी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपको उतनी ही इज्जत दें। इसलिए हमने ये सारी टिकट्स खरीद ली। और रही बात आपका गाना सुनने की, तो देखिए हम हर किसी का गाना तो नहीं सुना करते, इसलिए हम जा रहे हैं। आ, आ,
लेकिन मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके लिए कुछ खास दर्शक लाए हैं। गाना सुनने के बाद तालियां भी बजाएंगे। अब तो जन्म से तालियां बजाते हैं, क्यों रे सही लियो, तालियां बजाओगे। हैव फन सागर साहब। कुछ भी हो सपना, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कम से कम उस बेचारे का गाने एक बार सुन लेती, हो सकता है वो तुम्हारा दिल जीत लेता। अरे आज तक कोई ऐसा गाने वाला पैदा नहीं हुआ जो हमारा दिल जीत ले। क्या अरे आपने गाना क्यों बंद कर दिया? कितनी अच्छी आवाज है आपकी, प्लीज गाइए ना। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन मेरे गीत उन मगरूर इंसानों के लिए नहीं है जो सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने में ही खुशी महसूस करते हैं। देखिए हम लोग अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। क्या फर्क पड़ता है, कल आप लोगों ने जो कुछ भी किया हो वो भले ही आपके लिए मजाक रहा हो, लेकिन मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात थी। वो सिर्फ मेरा ही नहीं कलाकार का अपमान था, हजारों कला प्रेमियों का अपमान था। आप सब लोगों से विनती है, आइंदा किसी भी इंसान के साथ कैसा भी मजाक कर लेना, लेकिन किसी कलाकार की कला के साथ मत करना। चलो भाई। जीवा ये चेहरा क्यों छुपा रही तू? अरे चेहरा देखा ना, अरे चेहरा देख रही ना मुझे। अरे ये क्या, अरे लो घूंघट कर दिया, इतना भी तरसाना अच्छी बात नहीं है ना, दिखा ना मैं क्या गया। देख लिया चेहरा, देख लिया। बताऊं बिच्छू कहां है? ये क्या, ये मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ, चांदी की अंगूठी। शर्म नहीं आती? आज हमारी सुहाग रात है और चांदी की अंगूठी ले, कम से कम सोने की तो अंगूठी ले आती। अब आ रहा मैं तुझे दिखा तो मैं क्या ले गया? क्या? कुछ चूड़ियां। शर्म नहीं आती? आज सुहाग रात है, देने के लिए कुछ चूड़ियां ही लेकर आए। अरे आज तो सही बाहर में दिखाता हूँ तुझे क्या लाया हूँ। क्या? अरे आज तो सही ना, और ये देख, ये सब मैंने 2.5 बीघा जमीन बेच कर खरीदा है और अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। अब बोल कैसा लगा तुझे मेरा तोहफा? जीवा कैसा लगा हमारा तोहफा? अरे हंस क्या रही है, बोलना कैसा लगा ये तोहफा? अरे बोलना। ये क्या हो गया तुझे? अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारे चेहरे पे चूड़ी बना दी। अच्छा अब तू देख मैं क्या करूं। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा, अरे रुक जा। अब बोल तू कहां जाएगी? बोलू क्या, मैं तो खुद ही तुम्हें यहां लाना चाहती थी। अच्छा तो ये बात है।
के जीवा से मैं जीवा की जिंदगी में एक रंग भी रहने नहीं दूंगा। चूड़िया नहीं मेरा दिल तोड़ा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।